वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सुरक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी पूरे देश में कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न राज्य अपने अपने राज्यों में जो है कि कोविड का टेस्ट बहुत ही तेज़ी से जोरों शोरों से करवा रही है। इसी क्रम में झारखंड सरकार भी विभिन्न जिलों में और जिलों के विभिन्न ब्लॉक पंचायतों में इस कोविड के टेस्ट को करवा रही है, जिसमें यह पाया गया है कि बहुत सारे लोग जो है कि अभी नए नए कोविड में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस टेस्ट में यह भी पाया गया है कि बहुत सारे लोगों का कोविड टेस्ट जो है कि पॉजिटिव आ रहा है, परंतु उनमें कोविड के लक्षण एकदम ना के बराबर या बहुत कम है, जिसके कारण वैसे लोगों को होम आइसोलेशन की भी सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसके लिए बेसिकली यह झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुरक्षा का जो वेबसाइट लिंक है suraksha.nic.in/public/index.php, आपको इस लिंक पर विजिट करना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दे दिया है। जैसे ही आप इस लिंक पर विजिट करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा, और यहाँ पर कुछ कोविड के जो प्रिवेंशन के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मास्क यूज़ करना, हैंड वॉश यूज़ करना, कफ एटिकेट्स, ये कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, डायग्राम के थ्रू बताए गए हैं, जो कि एक अपनी रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो लिंक, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है। पहला तो है यहाँ पर मेन्यू में, जो कि आप देख सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और आप यदि इस वेबसाइट में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, और ठीक उसके नीचे रजिस्टर हेयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक इसके दाहिने साइड देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन एरिया है, यहाँ पर आप ऑफिस ऑर्डर, यूज़र मैनुअल, हेल्प डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस रजिस्टर हेयर लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस रजिस्टर हेयर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वह आएगा यूज वैलिड SRF आईडी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना वैलिड SRF आईडी यहाँ पर एंटर करना होगा। अब तो यह वैलिड SRF आईडी है क्या, एक्चुअली जब आप अपना कोविड टेस्ट करवाते हैं और उस समय जो है आपको यह आईडी मिलेगा। आपका रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इस आईडी को, वहां से आप देख करके इसको एंटर कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना SRF आईडी एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद क्या करना है, आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो मैं एक अभी उदाहरण के तौर पे आपको एंटर करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप अपना SRF आईडी एंटर करेंगे और इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या करना है, आपका अपना मोबाइल नंबर जो कि आप कोविड टेस्ट के दौरान दिए हुए हैं, वहाँ पर फॉर्म में फिलअप किए हुए थे, वह नंबर आपको यहाँ पर प्रॉपरली एंटर करना है। और उसके बाद जो है कि सिंपली आपको क्या करना है, इस सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक इसी तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ आपको इस मोबाइल नंबर को कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा। अब जैसे ही सेम मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे, तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, और उस OTP को आपको क्या करना है, एंटर करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, तो आपके मोबाइल में यह रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन इस सुरक्षा वेबसाइट में सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी वहाँ से मिल जाएंगे। फाइनली उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिर से होम पेज में आ जाना है, और होम पेज में आने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी जो भी आपका क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर, एंटर पासवर्ड, ये दोनों वैल्यूज है यहाँ पर। सपोज आपका मोबाइल नंबर जो भी है, आप इस तरह से यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ आपका जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का एक कैलकुलेशन जो है कि यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक कैप्चा
जो रहता है उस जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 8 + 2, तो यहाँ पर इसी तरह से आपका कुछ और भी नंबर हो सकता है, कहीं माइनस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपको उसको ध्यान से देख करके आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका मैसेज जो शो होगा उस बेसिस पे आपको एंटर करना है। अगर आपको सम फाइंड करने बोलेगा तो सम करना होगा, या फिर एवं नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटर करने के लिए मुझे बोल रहा है, तो उस बेसिस पे यहाँ पर आपको जो भी एंटर करने के लिए बोला जाएगा आप इस मैसेज को ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद जो है आप उसको एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं उसके बाद आप फाइनली यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप जो है कि अगर आपका डेटा यहाँ पर वैलिड होता है तो आप लॉगिन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉगिन सक्सेसफुल होता है उसके बाद जो है कि वहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप करना है। ध्यान रहे कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप सारा डेटा अपना प्रॉपर वे में दें, जैसे कि आपने कोविड टेस्ट कब करवाया, आपका कोविड टेस्ट का रिजल्ट क्या आया, और उस रिजल्ट में जो है कि आपके और भी जो भी रिपोर्ट्स होंगे, आपको फॉर्म जब खोलेंगे आपको दिख जाएगा फॉर्म, और उस बेसिस पे जो भी डिटेल्स वहाँ पर मांगा हुआ होगा, जैसे कि कितना तारीख को आपका रिजल्ट आया कोविड टेस्ट का, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रॉपरली फिलअप करने होंगे। साथ ही साथ आपके घर में कितने लोग हैं, कितने 60 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, कितने 10 ईयर्स से बिलो के बच्चे हैं, तो उस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा, आपको एंटर करना होगा। साथ ही साथ आपके घर में किस तरह का सुविधा है, तो ये सारे डिटेल्स फिलअप करने होंगे प्रॉपरली। तो ध्यान रहे कि आप ये डिटेल्स जो भी हैं आप उसको प्रॉपरली फिलअप कर लें, ताकि आपको होम आइसोलेशंस के लिए जो है, अगर आपका डिटेल्स प्रॉपर होगा, जब जांच होगी आपका डिटेल्स प्रॉपरली मिल जाते हैं, मैच हो जाता है, तो वैसे केसेस में आपको होम आइसोलेशन के लिए शायद सरकार के द्वारा अनुमति मिल सकती है। तो यदि अगर आप गलत डिटेल्स फिलअप करते हैं तो वह आपके फैमिली के लिए भी काफ़ी खतरा है और आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी खतरा है। तो ध्यान रहे कि आप जो भी डिटेल्स फिलअप करें उसको आप प्रॉपर, और जो एक्चुअल आपका रिपोर्ट है, एक्चुअल जो डेटा है, आप उसे ही फिलअप करें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप स्वरक्षा ऐप में, स्वरक्षा एप्लीकेशन जो है झारखंड गवर्नमेंट का होम आइसोलेशन के लिए, आप उसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आपको यह फॉर्म फिलअप करने में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।